आम लोगों से राहुल गांधी ने मेट्रो की भी सवारी की। बेंगलुरु कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटक दौरे पर हैं और आज वह बेंगलुरु मेट्रो में सफर करते नजर आए। राहुल ने इस दौरान कुछ मुसाफिरों से बात भी की और लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। कांग्रेस अध्यक्ष लोगों से सीधे जुड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, वह मंदिर और दरगाहों में भी जा रहे हैं। देश भर में कांग्रेस सिमटी है, ऐसे में कर्नाटक कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा के समान है, जिसे जीतने के लिए पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यह भी पढ़ें, विपक्ष एकजुट हो तो बीजेपी के साथ, खुद मोदी भी 2019 में वाराणसी से हार सकते हैं चुनाव। राहुल गांधी इसके कांग्रेस अध्यक्ष ने सड़क किनारे एक आइसक्रीम पार्लर से कुल्फी भी खरीदी। 12 मई को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए देश के आईटी केंद्र के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए राहुल गांधी ने मेट्रो से राज्य सचिवालय विधानसौध से एमजी रोड तक का सफर किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक में पार्टी मामलों के प्रभारी भी केसी वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी परमेश्वर और राज्यसभा सदस्य राजीव गौड़ा भी थे। वीडियो राहुल बोले, दलितों को कुछ नहीं समझते अमित शाह। कांग्रेस अध्यक्ष ने स्टेशन पर टिकट खरीदे और भीड़ भारी ट्रेन में सवार होने के पहले मुख्यमंत्री के साथ एक सेल्फी ली। राहुल गांधी किताबों की एक चर्चित दुकान बुकवर्म भी गए। गांधी सेंट मार्क्स रोड पर खाने पीने के एक स्टॉल पर भी गए और नाश्ता किया। कर्नाटक में 12 मई को चुनाव है, इसके नतीजे 15 मई को आ जाएंगे। इनपुट भाषा हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वाइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।